सभी को नमस्कार। 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू पिटीशन नंबर 154 ऑफ 2022 इन सिविल अपील नंबर 7031 ऑफ 2021 में सुनवाई थी। अब ये डिसीज़न क्यों आया था, क्यों डालनी पड़ी, 24/11/2021 को एक डिसीज़न आया था जिसमें कि कोर्ट द्वारा कह दिया गया भी कुरुक्षेत्र का जो डिप्लोमा है वो नॉट इक्वल है, उसको नॉट वैलिड कर दिया था। इसके कारण जो मेरिट होल्डर थे वो बाहर रह गए थे भाई। अब जैसे उसका पता चला कि ये केस खिलाफ है, क्योंकि उस तक तो बहुत कैंडिडेट को पता ही नहीं था कौन सिलेक्टेड है कौन नहीं, वो उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली, यूनिवर्सिटी के पास गए, यूनिवर्सिटी ने तथ्यों के आधार पर देखते हुए और उसमें इक्विलेंसी रिपोर्ट जारी की बाकायदा कमेटी बनाकर। उस कमेटी रिपोर्ट को जो है ना रिव्यू पिटीशन का आधार बनाया गया, पहले एमए लगाई, उसमें कहा कि जी आप तो पूरा डिसीजन बदलेगा, आप इसमें रिव्यू लगाओ, एमए में हम डिसीजन नहीं बदल सकते। फिर रिव्यू लगाई लेकिन एक साल का लंबा इंतजार चला गया। अभी कोर्ट का सिस्टम ही ऐसा है, कभी नोटिस में कभी उसमें। अब इसमें जो है ना फाइनली पहली तारीख लगी जिस पर कि सुनवाई हुई है 25 तारीख को, 25 नहीं इसमें काफ़ी देर, वैसे तो 5 को भी हुई थी लेकिन वो तो 2-4 मिनट की इसलिए थी कि केस को मेन उसमें ले दे, एक सुनवाई पर और लगातार सुनवाई हो जाए इस पर। उसके बाद समय है देख कर 25 तारीख निश्चित की थी। अब 25 तारीख को जो है ना यह सुनवाई पर आई थी ये केस नीरज कुमार एंड अदर, मेन केस ये है 25/12 जो शुरू का है, टू बी टेकन अप हाई ऑन द बोर्ड। अब इसमें एक तो ये आईए का मतलब समझ लो, एप्लीकेशन फॉर परमिशन लग रही है, बहुत सारी आईए हैं इसमें। आईए का मतलब है इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट, इम्प्लीडमेंट होता है पार्टी बनना, इसमें मतलब मैं भी भाग लेना चाहता हूँ, इंटरवेंशन होता है भी कुछ हस्तक्षेप मैं भी इसमें करना चाहता हूँ, मैं भी इस केस में कुछ कहना चाहता हूँ, यानी मेरा भी इस केस पर कुछ दावा बनता है। अभी स्क्रीन पर देखते होगे ये लगातार पूरे पेज पर आईए है, इसमें कुछ आईए जो है ना इसमें लगी हुई है मेन केस में नीरज कुमार वाले में, और कुछ जो है ना दूसरे में लगी हुई है 449 में, 50 में, कुछ और भी लगी हुई 52-53 में भी लगी हुई है, रिव्यू पिटीशन 73 में भी लगी हुई है। तो ये आईए तो वकील अपने हिसाब से देखता है कि मुझे किस केस में इंटरफेयर करना है, कौन से रिव्यू में किन से डॉक्यूमेंट पर मैंने इंटरफेयर करना है, या मैंने कौन से केस में पार्टी बनना है, इसलिए यह आईए लगाई जाती है। अब डेट 25/4/2023 दीज मैटर वर कॉल्ड ऑन हियरिंग ऑन फॉर टुडे, यानी हियरिंग के लिए पिटीशन जो आज बुलाई गई कोर्ट में आए जस्टिस है कृष्ण मुरारी जी, क्योंकि वो जो पहले दूसरे जज थे जिन्होंने मेन फैसला दिया था अब्दुल नजीर जी, वो रिटायर हो गए हैं तो एक बच्चे हैं, तो जिस भी बेंच में जाते वहीं केस लग जाता। दूसरे संजय कुमार जी। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न तो यह हो रही है भाई रेस्पोंडेंट की पिटीशनर की, वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पिटीशनर में ये नाम है भाई, काफ़ी नाम है, छोटे छोटे भी हैं बड़े बड़े भी हैं। अब इसमें मैं सिर्फ एक नाम पर चर्चा करूँगा, देवाशीष बरूखा। आप इस नाम ने पिटीशनर में देखोगे वो, क्योंकि एक चीज़ क्लियर करनी है बाकी और कुछ नहीं है। शुभम बल्ला, यजुर्मेला, सुमेर, दीपक, आशीष, जय सूर्या, रागिनी शर्मा, आकांक्षा गुलर, ये पूरी टीम के नाम इसमें लिखे जाते हैं। पीएस पटवालिया मेन सीनियर एडवोकेट इसमें थे, तुषार बख्शी एओआर, सुबोध कुमार पाठक एडवोकेट, विनोद सोनी एडवोकेट, पवन कुमार शर्मा एडवोकेट, वी माहेश्वरी कंपनी एओआर। अब इसमें रेस्पोंडेंट में आते हैं भाई, इसमें जो सरकारी थे लोकेश सिंघाल और WG और मोनिका गोसाई एओआर, ठीक है भाई। अब इसमें एक वरिंदर कुमार शर्मा, ये मतलब ITI के ऊपरले सरकार की तरफ से हो गए, दूसरे जो है ना ITI की तरफ से हो गए। अब इसमें एक नाम नोट करियो आपने, अगर दिख जा कहीं, देवाशीष बरूखा। अब आप सोचोगे भाई यो नाम रेस्पोंडेंट में भी है और पिटिशनर में भी है, क्यों है? और कुछ आज साथियों को ये भ्रमित हो भरमसा हो रहा है भाई हम रेस्पोंडेंट में कैसे आ गए, हम तो पिटिशनर थे, हमने तो आईए लगाई थी पिटिशनर बनने के लिए, हमने तो केस में हस्तक्षेप करने के लिए, अभी हमने कुछ कहना है, कुछ डॉक्यूमेंट देना है, कुछ बहस करनी, इसलिए आईए लगाई थी और हमारा नाम रेस्पोंडेंट में आ गया, ये कैसे हो गया भैया? तो देवाशीष बरूखा का भी आ रहा है जबकि वो मेन लानिया है, जो तीसरे नंबर की पिटीशन है वही लानिया यो है कमल सैनी वाली, लेकिन इसका भी आ रहा है। तो इसका क्या होता है, जो भी आईए लगेगी, देखो एक केस लगा दिया एक आदमी ने और उसमें रेस्पोंडेंट जो बनाने थे उसने बना दिए, भाई सरकार बना दी, प्राइवेट बना दी, लेकिन उसके बाद अगर उसमें कोई भी पार्टी जाएगी दूसरी
या तो वो खुद केस करे, अगर वो केस नहीं करती तो वो इम्प्लीटमेंट में चली जाती है। एक आसान सा तरीका हो भाई, हम भी इसमें पार्टी बनेंगे नया केस लगाने के बजाय, क्योंकि जब एक केस लंबा समय से चलता है तो उस पर नया लगाने का तो तुक बनता नहीं। तो इम्प्लीटमेंट का ऑप्शन खुद सरकार देती है, संविधान देता है, अपना कोर्ट देती है। तो नॉर्मली प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, या जो भी इम्प्लीटमेंट या आईए की एप्लीकेशन होगी वो रेस्पोंडेंट में से होगी, पिटिशनर में से नहीं होगी। तो यो कोई भी इशू नहीं है, अगर मेरा नाम इसमें क्यों है। अब एक सवाल और आता है आईए पे, क्योंकि आज कई भाई है कि आईए पे कॉल आई, अगर जी आईए का क्या होगा आईए पे? भाई आईए नॉर्मली अगर केस लंबा चलता है तो बीच में मंजूर कर देते हैं, जब भी पिटिशनर का वकील मांग करता है जी मारे पक्ष सरियो मंजूर करो मारी, तो कोर्ट ये देखती है इसको मंजूर किया जाए या ना किया जाए। अगर वो मंजूर करने के लायक हो समझेगी तो कोर्ट उसको मंजूर कर देती है, अगर न्यू हो भाई इसको नहीं करनी तो ना भी करती। लेकिन नॉर्मली जो भी आईए है वो मंजूर होती है जब तक केस चल रहा है। अगर केस फाइनल पर है या लास्ट डेट पर है और कोई नया फासड़ा फाड़ना चाह है तो उसमें तो फिर आदमी मना कर देता, जज साहब मना कर देते भाई इसको क्यों आप वो कर रहे हो, जब एक चीज़ सुलट गई तब आप इसमें पार्टी नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन जब अगर केस चालू है तो उसमें कोई भी पार्टी बन सकता है। नॉर्मली जो प्रोसीजर बताता हूँ मैं, वो इस केस में तो देखो कुछ भी हो जाओ हो सके कल ने डिसमिस कर दे सारी आईए ने, हो सके सारी, नॉर्मली क्या होता है सारी जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है वो मंजूर होती है। हाँ जो दूसरी पार्टी है जो मांग दूसरे तरह की करेगी उसकी डिसमिस हो जाएगी भाई, जैसे किसी ने कुरुक्षेत्र वाले लगाई तो उसकी भी मंजूर हो जाएगी अगर इनके हक में फैसला आया, और अगर आईटीआई वाले ने लगाई तो उनकी डिसमिस हो जाएगी, अगर हक में नहीं आया तो आईटीआई वाले की मंजूर हो जाएगी और जो कुरुक्षेत्र वाला है उनकी डिसमिस हो जाएगी बाद में, अगर भाई ये या ये डिस्पोज ऑफ की ये डिसमिस की इस प्रकार से उसमें, या ये आईए अलाउड की इस प्रकार से ये चीज़ उसमें लिखी आती है। तो अभी तक जो है ना किसी भी आईए पे कोई फैसला नहीं किया गया, कारण है उसका, कारण ये है कि भी इसमें सुनवाई 1 तारीख को हुई है और किसी ने भी ये डिमांड तो की नहीं अभी मेरी आईए मंजूर करो, अभी मेरा जो है इम्प्लीमेंट मंजूर करो, क्योंकि नॉर्मली ये कहने की बात होती भी नहीं है। ये तो बड़ी दिक्कत है भाई, आड़ा खड़ा है एप्लीकेशन ले तो इसकी तो मंजूर करनी है भाई, भी कुछ कहना चाहो अगर वो कहोगा तो रुकसी बात सही होगी, वो केस जीतते होंगे तो वह मंजूर भी होगी। तो फिलहाल जितनी भी आईए जिसमें लग चुकी है स्टैंड जो है ना वो अलाउड होंगी, अगर केस के यू के अकमाता है तो, अगर आईटीआई के अकमाता है तो उनके अलाउड होंगी भाई, जाहिर सी बात से इसमें घनी शंका सुबह या टेंशन लेने की कति जरूरत नहीं है। बाकी आखिरी फैसला जो है ना जज साहब ने करना है, कैंडिडेट जाता है वकील को फीस देता है, वकील उसने लगा देता है अपनी बहस कर लेता है, उस तो आगे वकील के हाथ में कुछ नहीं है, उसके आगे तो भाई जज साहब की मर्जी है, कोर्ट की मर्जी है, उस ना मंजूर करें ना करें। तो जो भी आपके वकील हैं वो प्रयास कर रहे हैं, जो आपका करवा वो प्रयास करें, अब ना भी मंजूर हो तो किसी कोई गलती ना, वो कोर्ट की मर्जी है, उसमें आप पर हम कुछ नहीं कर सकते कभी भी। तो एक तो बात ये आई आड़ी क्लियर होगी भाई, रेस्पोंडेंट में ही शो होती है, क्योंकि उसमें तो शो नहीं हो सकती है। खुद में उदाहरण दे दिया देवाशीष बरूखा, ए आर में रेस्पोंडेंट में आ गया, क्यों आया? क्योंकि 3-4 साथी इसने बाद में पिटिशनर बनाए हैं ए आर में उनके, इसलिए इसका नाम जो है इसमें आया, क्योंकि उनका पिटिशन की कॉपी इसने फाइल की थी अपनी तरफ से। तो ये इम्प्लीटमेंट में भी हो गया और पिटिशनर में भी हो गया, यानी रिव्यू पिटिशनर का वकील भी यही है देवाशीष जी, और जो इम्प्लीटमेंट वाले उनके भी यही है, तो इसका नाम दोनों जगह आ गया। अगर कोई और ऐसा होता तो उसका भी दोनों जगह आ जाता। मेन बात यह है भाई, समझ में अगर आ गई हो तो मुद्दा है मोटा मोटा है यो है इस केस में, बाकी एक आध केस में अलग होता तो राम जाने। अब अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, भाई सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह ऑर्डर पारित किया, हालांकि ये भी उसी दिन बोल दिया था जज साहब ने, भाई इसमें मैं कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कह दिया भाई गवर्नमेंट ऑफ एफिडेविट जारी करे और उसके बाद अगली डेट पर इन्हें हाई अपॉन द टॉप ऑन द बोर्ड करके और मैं इसको निपटा दूंगा, और निपटने में फायदा है भाई, जो भी होना हो जाएगा भाई, जिसका भी जो होना है। अब इसमें साधारण सी बात, ऑर्डर के नाम पर तो कुछ नहीं है, इन व्यू ऑफ द लेटर सर्कुलेटेड बाई लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट की तरफ से जो लेटर सर्कुलेट किया गया उसको देखते हुए, लिस्ट दिस मैटर ऑन 9/5/2023 एट द टॉप ऑफ द बोर्ड, इस मैटर को जो है लिस्ट करो 9/5 को, और टॉप ऑफ द बोर्ड यानी कि सबसे पहला केस भी ये
हो सकता है उस दिन। टॉप का तो मतलब ये है सब तो ऊपर भाई, ठीक है। अब इसमें नो को ही पता चलेगा इसमें इन्वर्टर में किए जाएगा क्योंकि फैसला होगा किसकी मंजूर होगी किसकी ना होगी, निपटेगा ना निपटेगा सारी चीज़ें भाई 9 तारीख को ही ये क्लियर हो पाऊंगी 9 मई को। तो भाई ये ऑर्डर था, ऑर्डर के नाम पर तो कुछ नहीं था लेकिन कुछ सवाल थे साथियों के, जिसा पता था उसा भाई बता दिया है। बाकी 9 ने केस ये लगभग पक्का 9 ने केस क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।